अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो टॉपिक है वो यूज केस मॉडलिंग है। और मैंने बताया था थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, नहीं लगा सकूंगा आज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो आज का टॉपिक है, इसमें डेफिनेटली जो तीन साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बनाया है। एक आपके पास जो है वो ग्रेटी पूच, एवर जेकबसन और जेम्स रम्बा, ये तीन लोगों ने इसे बोलते हैं डेवलप की है। और ये बहुत आसान कर देती है आपको एल्गोरिथम डिजाइन और समझना, लोगों को बहुत आसान कर देती है। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है बताएं, ये प्रोसेस मॉडलिंग बताए, स्टैटिक डिजाइन की क्लास एंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक मिनट, जी बेटा। अच्छा, स्ट्रक्चर मॉडलिंग में आपके पास क्या है? हमारे पास फिजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टैटिक्स पार्ट्स हो गए, नाउंस हो गए, डायग्राम्स के अंदर हमारे पास क्या है? क्लास डायग्राम्स हैं, कंपोनेंट डायग्राम्स हैं, पैकेज डायग्राम्स हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स हैं, ये बताई जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर क्या है? बिहेवियर उधर देखिए आप, उधर क्या है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, इधर क्या है बिहेवियर मॉडलिंग है, दोनों फर्क है। फंक्शनल में प्रोसेस है, इंटरेक्शन है, डायनेमिक पार्ट्स वर्ब्स, एंड डायग्राम्स के अंदर क्या है? यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस, स्टेट एंड एक्टिविटी डायग्राम, ये चार टाइप के डायग्राम्स हैं, इसको हम लिख रहे होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, डेफिनेटली में रिलेशनशिप होता है आपके पास, तो ब्लॉक्स हम बनाते हैं इसमें। थिंक बॉक्सेस के अंदर, अच्छा देखो ये चार चीज है बेटा, हम जो क्लासेस को बना रहे होते हैं हमारे पास अकाउंट है, उसके बाद बैलेंस है, और फिर उसकी तमाम चीजें बताई हुई यहाँ पे। इसमें क्या ऑथेंटिकेशन यूजर्स है, ये यूज केसेस है हमारे पास, ये क्लास है, ये यूज केसेस है, ये कंपोनेंट है आपके पास, यहाँ पास क्या है नोड है। ठीक है, ये थिंग्स चार चीजें बॉक्सेस में इस्तेमाल कर रहे होते। उसके बाद मैसेजिंग हमारे पास जरूरी होती है, ये हम मैसेज भेजते हैं, लिखा हुआ है मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिटर्न आपके पास आ रहा है। अच्छा, एसिंक्रोनस मैसेज के माने वन डायमेंशन नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ये स्केड्यूल्ड है हमारे पास, ये स्टेट का नाम है, ये मैसेजेस का नाम है, और सबमिट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, इसका एक्शन है। रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे है 0 से लेके 2 तक, सही है, और यहाँ पे 1 ही होगा। यहाँ पे दो दो कंडीशन हो सकती हैं, 0 1 2, तीन कंडीशन हो सकती हैं, यहाँ पे एक ही कंडीशन होगी। इसको पढ़ते हैं ऐसे, आपके पास ये क्या है, आपके पास रिलेशनशिप है, या आपके पास क्या है जनरलाइजेशन में उसको बता रहे होते हैं, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये डिपेंडेंसी है। अगर हमारे पास क्या है खाली है, इम्प्लीमेंटेशन है, अगर एरोहेड है हमारे पास, ये डिपेंडेंसी है। कॉमन एक्सटेंशन में क्या है बेटा, ये आपको नोड्स एनोटेशन आप बताएंगे, इसमें इंटरफेसेस हैं, जैसे आप क्लास डायग्राम बना रहे होते हैं, सेव टाइप है ये, या बस क्या आइकॉनिक स्टीरियोटाइपिंग है हमारे पास कॉमन एक्सटेंशन के अंदर बताने के लिए वेब सर्वर। मेरी तबीयत मेरी नहीं है सही, सॉरी, बुखार चढ़ा हुआ की डायग्राम क्लीन, की कंसीडर रीडेबल, फोकस्ड, प्रिसाइज गोल्स में विजुअल्स हैं, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास होने चाहिए। ओके, अच्छा स्ट्रक्चरल डायग्राम मैंने आपको दोबारा बताया समझाने के लिए। स्ट्रक्चरल डायग्राम इसमें क्या है, क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स है, चार डायग्राम्स हैं। बिहेवियर डायग्राम में क्या इंट्रोडक्शन है, यूज केस है, सीक्वेंस, स्टेट एंड एक्टिविटी, आपको भी बताया था मैंने, ये तमाम चीजें जो आपको यूज करनी होती है इसमें। अच्छा, इसको बनाने के लिए बेटा हम करते क्या है, इसको बनाने के लिए आपके पास, सॉरी, एक मिनट, यूज केस के अंदर आपको बताता हूँ, मैं उसको हटा दूँ, ये दिख नहीं रहा कुछ भी नहीं। जी बेटा, तो हमारे पास जो हम सर्च करेंगे आप वेबसाइट पे, तो आप ये लिखेंगे,
इसमें आइकन डॉट डी ओ, इसको मैं वापस लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ऐप डॉट डायग्राम डॉट नेट सही है, तो अभी बाद में डिसाइड करेंगे क्या कहाँ जाना है क्या नहीं जाना। ठीक है, तो एप्स डॉट डायग्राम्स डॉट नेट पे हम जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको चीज़ें आपकी मिल जाती हैं, यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं, फाइल सेव एज भी करवा सकते हैं, जो आप उसको करना चाहें आप उसमें कर सकते। तो ये चीज़ें जो है सारी की सारी यहाँ पर आपके पास आ रही होती है, आपको हर इसमें फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे मिसकेलिनियस भी बेटा, ठीक है, एडवांस भी है, स्मार्ट ड्रॉप पे अगर आपने काम नहीं करना है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बेसिक्स भी हैं, कंप्लीट डायग्राम्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एरो हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, ईआर डायग्राम्स हैं और ये यूएमएल डायग्राम्स हैं। ठीक है बेटा, हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये एक्टर्स हैं हमारे पास, ये दी आर द एक्टर्स, और ये हमारे पास एंड है। इसको बता देता हूँ ना एक पॉइंट को, ये होता क्या है, ये कंपोनेंट डायग्राम्स हैं, ये आपको कंपोनेंट एट्रीब्यूट वन एट्रीब्यूट टू उसकी टाइप बता सकते हैं, ये पास ब्लॉक डायग्राम्स हैं, ये मॉड्यूल है, वहाँ पैकेज है, ये वहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप है, फील्ड वैल्यू, उसके बाद क्या है, आप प्राइमरी की है, यूनिक फील्ड, फॉरेन की है, क्लास है हमारे पास, उसके क्लास के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। सही है, उसमें आप ये प्लस मायने आपके पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, इंटरफेसेस बना दीजिए आप, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंटरफेस, जो रिक्वायर्ड इंटरफेस होना चाहिए, रिक्वायर्ड इंटरफेस, लॉलीपॉप नोटेशंस हैं, ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज हैं, एंटिटी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, एक्टर्स, यूज केस, स्टार्ट, एक्टिविटी, कंपोजिट स्टेट, कंडीशंस, फोर्क जॉइंट एंड ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन, कब तक चलेगा ऑब्जेक्ट, एक्टर लाइफ लाइन, बाउंड्री लाइफ लाइन, एंटिटी लाइफ लाइन, कंट्रोल लाइफ लाइन, फ्रेम्स जो हम बता रहे होते हैं, इसमें नोटेशंस वगैरह, डिस्ट्रक्शन, फाउंड मैसेज, डिस्पैच, सेल कॉल, सेल्फ कॉल, अपने आप को अगर आपने बताना है कि अब ये मैं ये करूंगा, कॉल बैक अगर आपने रिटर्न करना है तो, एक्टिवेशन सीक्वेंस डायग्राम में यूज होती है नॉर्मली, ये डिस्पैच सीक्वेंस में ही होता है, ये भी सीक्वेंस में होता है, मैसेज नंबर टू डिस्पैच है और ये डिस्पैच है, इसमें स्मॉल सर्कल है, इसमें हैवी सर्कल है, डिस्पैच है हमारे पास, रिटर्न है, नेम हमारे पास है रिलेशनशिप वन, एसोसिएशन ने बताया 0 से लेके 2 और 1 तक, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है, कॉम्पोजिशन है हमारे पास, रिलेशनशिप है हमारे पास, ये 0 to 9, ये है जो भी मैंने भी बताया, डिपेंडेंसी है, यूज एक्सटेंड्स है, एसोसिएशंस है, इनर क्लास है, टर्मिनेट है, इम्प्लीमेंटेशन है, एग्रीगेशन है, कॉम्पोजिशन है, एसोसिएशंस है, इसमें और भी शेप्स हैं, अगर आप देखेंगे आपको शेप्स मिल जाएंगे इसके अंदर, तो ये तमाम चीजें हैं। ओके, तो ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, और इसका जो है ऐप डॉट डायग्राम डॉट नेट आप लिखें इसको तो आपके पास ये आ जाता है। इसका एक और बहुत अच्छा सा नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ। मुझे नाम इसमें भी लिखा हुआ था नाम अल्टरनेटिव मेरा, सेक्शन ड्रॉ डॉट आयो करके है, हाँ ड्रॉ डॉट आयो कहते हैं इसको, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप लिखेंगे यहाँ पे
ड्रॉ डॉट आयो, यस यस, ये ड्रॉ डॉट आयो लिखेंगे आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई। सॉरी मेरी तबीयत जो है काफी खराब हुई हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आवाज मेरी खराब है। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मिल गया। यूज केस मॉडलिंग है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है बेटा, यूज केस यूजुअली विजुअल द प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट विजुअल और टेक्स्ट बोथ इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, बहुत आपको काम आसान कर देता है, रिलेशनशिप है हमारे पास। अच्छा उसमें क्या है, स्टेक होल्डर सिस्टम अवॉर्ड्स बिहेवियर, अभी बताया मैंने सिस्टम बिहेवियर क्या है, किस तरह से आप उसको बना रहे होते हैं, क्या उसमें कर रहे होते हैं। इसमें जो आपके पास तीन कंडीशंस होती हैं, प्राइमरी एक्टर इनिशिएट समथिंग, एक्टर इनिशिएट कुछ करता है, सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बिहेवियर के हिसाब से डिफरेंट डिसीजन आ रहे होते हैं, सिक्वेंस आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप भी देख लीजिए, ये एटीएम एक सिस्टम है, ये इनिशिएट कर रहा है, ये बैंक रिप्लाई कर रहा है इसको। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज है हमारे पास, मगर सिनेरियो इनकम्प्लीट है, इसमें डिटेल्स काफी नहीं दी जा रही होती, कम डिटेल्स दी जा रही होती। वेरीफाई यूजर, वेरीफाई एनफ बैलेंस, ये सिस्टम बता रहा होता है आपको। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो कैन बी अनफोल्ड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। आप इसमें अगर ये बड़ा है आपके पास, तो आप बहुत सारी चीजें इसमें अनफोल्ड रख सकते हैं। हाँ, यूज केस में हु एक्टर है, कौन है, व्हाट एसोसिएशन क्या है इसके सिस्टम के साथ, गोल्स क्या हैं, तो ये फंक्शनैलिटी भी बेस कर रहा होता है बेटा। इसमें सेल्फ मैनेजर, स्टोर कीपर, सेल्स ऑफिसर, ये एक्टर्स हैं, ये हाई लेवल यूज केसेस हैं हमारे पास। इसमें क्या है, मैनेज स्टॉक, सेल गुड्स, अप्रूव सेल्स स्कीम्स, यूज केसेस हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर। इसमें तीन चीजें हैं, पहला सेल्स मैनेजर अप्रूव सेल्स स्कीम करेगा वो, नंबर टू क्या है स्टोर कीपर, मेन स्टॉक एट ब्रांच, कितना आपके पास स्टॉक में चीजें पड़ी हुई है, सेल्स ऑफिसर सेल्स गुड थ्रू ब्रांच, ये आपके पास क्या करेगा सेल करेगा। उसके बाद क्या है, हु सेल्स पर्सन, कौन सेल कर रहा है, व्हाट सेल कर रहा है, स्टोर कीपर पर्पस क्या है, गोल क्या है, टू अर्न समथिंग, सिनेरियो क्या है हमारे पास। हमें सिंपल से हमने यूज केस बनाई है, यहाँ पे एक एक्टर है, स्टोर कीपर है, इश्यू आइटम स्टॉक इश्यूएंस, इसकी फंक्शनैलिटी आगे एसोसिएशन आपके पास, इसकी रिलेशनशिप इसके साथ है, ये सेल्स पर्सन है, सही है, सेल्स पर्सन जिसको बेच रहा है, ये इसको क्या कर रहा है इश्यू कर रहा है, ये इसको बेच रहा है, ये रिलेशनशिप है सेल्स पर्सन। फाइंडिंग एक्टर, बोलिए प्राइमरी एक्टर कौन होगा, ये आपको पता होगा कौन आप स्कूल बनाना चाह रहे थे। डू नॉट कंसिडर यूजर हु डायरेक्टली यूज द सिस्टम, इस सिस्टम को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आप, उसके अंदर टेक काफी चीजें उसके अंदर आपके पास होती हैं, देन यू कैन डू। हु विल नीड सपोर्ट, हु विल मेंटेन एंड कीप सिस्टम वर्किंग, विच हार्डवेयर डज सिस्टम नीड, विथ विच अदर सिस्टम्स इंटरेक्ट, इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, इतनी चीजें सारी आती है। अच्छा फंक्शनैलिटी, एक्टर डू, एक्टर्स क्या काम करेंगे इसके अंदर, यूज केस के अंदर। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स के माने, फर्स्ट यूज केस डायग्राम, सेकंड यूज केस एंड नैरेटिव टेक्स्ट, टेक्सचुअल जिसमें टेक्स्ट आपके पास आ रहा होता है, वो यूज केस नैरेटिव होता है, इसमें कोई लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन या बिजनेस इवेंट लिखा हुआ होता है। यहाँ पर नैरेटिव है हमारे पास, इसका नाम आएगा हमारे पास नेम, समरी, प्रियोरिटीज, हाई लो, हाईएस्ट 5 है, लो 1 है, प्री कंडीशन क्या होना चाहिए पहले से, पोस्ट कंडीशन क्या क्या होगा इसके बाद, प्राइमरी एक्टर, सेकेंडरी एक्टर, ट्रिगर स्टेप एक्शन, ये होना बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा। बिजनेस एक्टर्स हमारे पास यूज केसेस, कंस्ट्रक्ट यूज मॉडल एंड डॉक्यूमेंट यूज केस इवेंट्स, इसमें क्या सिस्टम विल यूज एंड हाउ विल बी यूज द बिल्ड, प्रोसेस ऑफ यूज केस, फोकस टू द एक्टर्स हैज डिफाइन एक्टर्स इन बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ यूज केस मॉडलिंग, यूज केस मॉडलिंग की प्रोसेस हमारे पास है, क्या भी डायग्राम भी आ रही है, इसके पीछे नेक्स्ट डायग्राम, ये स्टोर कीपर है, सिनोनियम इसका नहीं दिया हुआ हमने, सेल्स ऑफिसर का एसओ दिया हुआ है हमने, एडमिन ऑफिसर का हमने नहीं दिया हुआ, एरिया सेल्स मैनेजर का एएसएम दिया हुआ है, स्टॉक रिक्विजिशन का हमने नहीं दिया हुआ, इनकी सबकी डिस्क्रिप्शन सिनोनियम के हिसाब से जो होंगी वो आ जाएगी। उसमें भाई आप टिपिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी यूज केसेस, कई कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसमें एसेंशियल यूज केसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, स्टॉक ऑर्डर रिक्विजिशन और एक्टर्स के रोल्स क्या हमारे पास, स्टोर कीपर, एटीएम, एडमिन ऑफिसर, ये तीन चीजें इसको, उसके रोल्स चल रहे हैं आपके पास।
स्टॉक जो है इसमें क्या यूज केस डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ वीकली ऑर्डर फॉर एन इंडिविजुअल बैच ब्रांच ट्रेंड ऑफ 6 वीक सेल्स आर बीइंग यूज फॉर ऑर्डरिंग सीजनल इवेंट्स सच एज ईआईडी एंड स्कूल हॉलीडेज इफेक्ट ऑर्डर तमाम चीजें। एक्टर्स के रोल्स क्या है वो 3 रोल्स हैं। स्टॉक रिसीव के अंदर भी 3 रोल्स आएंगे हमारे पास। स्टॉक इशू वाले के भी 2 रोल्स आएंगे। इसमें एडमिन नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक इशू कौन कर रहा है, स्टोर कीपर कर रहा है, सेल्स ऑफिसर कर रहा है, ट्रांसफर आउट क्या हो रहा है। डिस्क्राइब द स्टॉक ट्रांसफर टू द अदर ब्रांच इन द विसिनिटी उस जगह पे कौन जो है उस जगह पे कौन जो ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर आउट है यानी कि बाहर कौन भेज रहा है। सही है ना। तो ये बकायदा सर्टिफिकेट होता है इसका। ट्रांसफर इन डिस्क्राइब द स्टॉक रिसीव बाय द ब्रांच इफ अर्जेंटली रिक्वायर्ड। अर्जेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी ट्रांसफर इन करवाया जा सकता है। डिस्क्राइब द इवेंट इफ द डैमेज स्टॉक रिसीव जो चीज खराब होगी उसकी वापस आप रिटर्न देनी होगी। इसमें आप देख लीजिए ब्रांच स्टॉक स्टॉक कीपर सेल्स ऑफिसर एडमिन ऑफिसर एंड एसीएम 4 चीजें हमारे पास। प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पोस्ट कंडीशंस क्या होनी चाहिए। बिजनेस रूल्स सेल पॉलिसी प्रोसीजर बिजनेस दैट न्यू द सिस्टम अबाइड बाय ओपन इश्यूज एजम्पशंस आप इसमें ले रहे होते हैं बता देते हैं मॉडलिंग के अंदर कि ऐसे हम एज्यूम भी कर रहे होते हैं अगर ये हो तो ये होगा। इसके एग्जाम्पल्स आ गए ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम हमारे पास आ गए। मैं इसको जूम कर देता हूँ। मैं इसमें क्या है रजिस्टर्स लाइक एग्जाम फी पेमेंट एग्जाम इनेबल्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस चेक टेक एग्जाम रिजल्ट अप्लाई रजिस्टर होना जरूरी होता है पहले इसमें। अच्छा ये फ्रंट एंड पोर्टल है हमारे पास। बैक एंड में क्या है लॉग इन इसमें रिव्यू क्वेश्चन रिपोजिटरी सही है। उसके बाद क्या है क्रिएट एंड ऐड क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस बन रहे हैं क्रिएट न्यू एग्जाम नया एग्जाम बनाया जा रहा है। इसका काम क्या है एवेल्युएटर का काम है इसमें। अब टीचर का काम क्या है एग्जाम को बनाए एग्जाम्स के रूल्स बनाए और जो डेटाबेस होती है एग्जाम की वो बनाए और एग्जाम डेटा बनाए। उसके बाद क्या रिजल्ट पोस्ट ऑन करेगा जाहिर सी बात है गलत बंदा उसको पोस्ट करेगा। ये चीजें इसके अंदर शामिल है। विड्रॉ एटीएम से पैसा किस अंदर विड्रॉ करवाएंगे आप कितना अमाउंट होगा। डेबिट तो नहीं होगा सिस्टम यूज सर्विस सिस्टम टू अकाउंट एंड डिस्पेंस द मनी आपको पैसा दे दे बाद में उसको डेबिट कर दे। ये प्रिंट भी आएगा आपके पास रिमूव द रिसीप्ट भी आएगा क्लोजिंग मैसेज डिस्पेंस यूजर एटीएम कार्ड को निकालेगा और वेलकम मैसेज दे देगा नेक्स्ट टाइम। विड्रॉ मनी नंबर 1 यूज विड्रॉ मनी फ्रॉम वन और हिज अकाउंट प्रियोरिटी 5 यूजर हैज लॉग इन टू एटीएम यूजर हैज ड्रॉन मनी एंड रिसीव रिसीव बैंक कस्टमर और कस्टमर अकाउंट डेटाबेसिस ये बहुत डिटेल्स हैं इसके अंदर। आप यहाँ देखिए आप इसमें क्या स्टेप 1 से लेकर 10 तक है मेन सिनेरियो। अकाउंट टाइप बताएगा करंट है या सेविंग है क्या आपको चूज करना है कितना पैसा निकालना है उसको आपने एंटर करना है। अकाउंट डेबिट होगा और वो पैसा दे देगा आपको। यूजर रिमूव मनी यूजर पैसा निकालेगा उसमें से मशीन में से पैसा निकलेगा आपको रिसिप्ट प्रिंट होगी रिसिप्ट को रिमूव करेगा सिस्टम को क्लोज कर देगा हमारे पास मैसेज भी क्लोज हो जाएगा और आपका कार्ड वापस कर दिया जाएगा और वेलकम मैसेज आ जाएगा। एक्सटेंशन में क्या होगा सिस्टम नोटिफाई यूजर हैज अमाउंट फंड आर इनसफिशिएंट अगर पैसा नहीं है तो ये होगा सिस्टम गिव एंड करंट अकाउंट बैलेंस बैलेंस बता सकता है वो आपको एग्जिट का ऑप्शन दे सकता है। शुड द सिस्टम आस्क इफ यूजर वांट टू सी द बैलेंस हाँ और क्या ये बैलेंस देख सकता है ऐसा है या नहीं है ये आप बताएंगे उसे। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है सिस्टम नेम प्राइमरी एक्टर बैंक है हमारे पास विड्रॉ मनी और ये कस्टमर अकाउंट डेटाबेस ये सेकेंडरी है सिस्टम बाउंड्री यूटिलिटी बिल्स है आपके पास ट्रांसफर मनी है चेक बैलेंस है एसोसिएशन है तमाम चीजें इसमें मौजूद है। अच्छा बेटा हमारा जो काम है आज की डेट के अंदर जो आपने करना है तो मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है ठीक है। जी बेटा So maybe money doesn't grow on trees, but vending machines do spit out gold. They've revolutionized the precious metals market. Keep watching to find out how and why. So, gold vending machines.
It sounds like something you'd find in 50 Cent's foyer, but in reality, it's the new frontier in the precious metals market. In 2010, a German company by the name Ex Oriente Lux installed the very first gold-to-go machine in the five-star Emirates Palace Hotel. The machine sells 24-carat gold bars weighing 1, 5, and 10 grams. It also sells gold coins from Canada, Australia, and South Africa. And as an added bonus, they come in a sleek, decorative gift box. Essentially, it's a cash for gold without any of that pesky human interaction to deal with. Thank you, Germany. The machine itself is 6 feet tall and wrapped in a gold leaf finish. Depending on the inventory, they can weigh up to 1,000 pounds. Even minus the weight of the machine, that's still over $20 million worth of gold available with a few taps on the touchscreen. They take both cash and credit or debit cards for user convenience. For security, each machine has multiple cameras inside it as well as around it. They monitor each sale. There is also an ID scanner to prevent money laundering and armored guards in the vicinity for extra safety. Guards and ID scanners are all well and good for the protection of the machine, but what about the user? What are their guarantees? The gold-to-go machines sell 99.9% pure gold, also known as bullion. All items are only made with 24... जी बेटा तो यहाँ पर जो है आपने ही करना है ये मैंने वीडियो आपको भेजी हुई ऑलरेडी अब आपने क्या करना है इसको यूज करते हुए आपके पास क्या कहते draw.io पे जाएं आप इसको आप बनाएं इसका सही सा स्मार्ट सा जो है यूएमएल डायग्राम बनाइए और बनाने के बाद जो है फिर मैं आपको असाइनमेंट ओपन कर देता हूँ उसमें आप क्या कीजिए इसको बना के उसमें आप रख दीजिए उसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस होगी ठीक है बेटा तो ये हमारा जो है वो काम है इसको हम करवाना चाह रहे हैं आज की डेट के अंदर एक काम तो यही है ठीक है अच्छा दूसरा हमारे पास क्या है काम जो हमें करना है आज की डेट में जी कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम है हमारे पास सही ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था और इसके अंदर आपने सिस्टम बहुत अच्छे बनाए थे ये मुझे पक्का पता है तो इसमें जो बैकग्राउंड क्या है कस्टमर की नीड क्या है उसको तकरीबन 17 मिनट मिल रहे थे और उसके अंदर से वापस भी आना था ये तमाम चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं बिजनेस रिक्वायरमेंट टू क्या है अच्छा इसमें जो है आपके पास कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम के अंदर क्या है ये पैटर्न है हमारे पास ये मेन्यू मैनेजर है ये पेरोल सिस्टम है कैफेटेरिया इन्वेंट्री मील डिलीवर है कैफेटेरिया सिस्टम इसमें हो क्या रहा है मैं इसके अंदर एक डायग्राम है हाँ वो भी आएगी आगे ठीक है इसमें हो क्या रहा है कि पेरोल क्या कर रहा है पहली बात ये कि मील का ऑर्डर दे रहा है ये इसको मेन्यू दे रहा है ये ऑर्डर दे रहा है इसको मील को सब्सक्राइब भी कर सकता है और पेरोल डिडक्शन भी हो सकती है सैलरी से कट भी सकता है पैसा मेन्यू मैनेजर ये आपस में बात करते रहेंगे आपस में टू वे कम्युनिकेशन है कैफेटेरिया स्टाफ मील ऑर्डर कर सकता है डिलीवर रिक्वेस्ट दे सकता है मील स्टेटस अपडेट कर सकता है और ये आखिर में पेमेंट रिक्वेस्ट हो जाएगी इसमें डिलीवरी रिक्वेस्ट जाएगी मील डिलीवर को फूड आइटम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी कैफेटेरिया से इन्वेंट्री सिस्टम से आपको और फूड आइटम ऑर्डर यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं पेमेंट रिक्वेस्ट जो है कहाँ जा रही है हमारे पास पेरोल सिस्टम को जा रही है और पेरोल सिस्टम से रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ भी जा रही है डिडक्शन की रिक्वेस्ट है कैपिटल ऑर्डरिंग सिस्टम को और यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है पेरोल डिडक्शन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आपके पास पेरोल सिस्टम को जा रही है ये पूरे कंप्लीट सिस्टम है मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ ये इसमें बेटा कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें डेफिशेंसीज हैं वो चीज़ें ऐसी हैं आपके सिस्टम्स में बताना नहीं चाह रहा हूँ मैं आप तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं 20-22 स्टूडेंट्स ने 5 सेक्शंस के बिल्कुल अनोखे सिस्टम्स बनाए एकदम यूनिक सिस्टम बनाए ज़रा इसको अपडेट करें इसको अपडेट करके मुझे भेजिएगा ये ठीक है तो मैं ये असाइनमेंट ओपन कर दूंगा इसको ठीक है अच्छा ये ऑर्डर मेल का आपके पास आ गई तमाम चीज़ें इसमें भी गड़बड़ है आपको पता है ऑलरेडी कन्फर्म ऑर्डर ई मेल सेंड ये डिस्क्रिप्शन आ गए हमारे पास मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ उसको आप देख लीजिए सॉरी मेरा गला बहुत खराब है तो इसमें क्या है
ग्रेट किसने किया, डेट किसने लगाई, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है इंटरनेट में, उसके बाद क्या ऑर्डर प्लेस हो रहा है 15 मिनट टाइम विंडोज के अंदर, पार्टनर इज लॉग इन टू COS, पार्टनर रजिस्टर फ्रॉम मील पेमेंट एंड पेरोल डिडक्शन, उसमें क्या मील ऑर्डर इज स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेड, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये ऑर्डर डिलीवर कर देगा, वो अवेलेबल है तो वो आपको वो डिलीवर कर देगा, वो आइटम मौजूद है, आप ऐसा आइटम ले लीजिए जो मौजूद ही नहीं है तो क्या करेगा वो बताइए, डिलीवरी कैपेसिटी कितनी, डिलीवरी कितने टाइम में कर सकता है, अभी सारे फ्लोज हैं इसके अंदर, मेन्यू क्या है आपके पास, डिस्प्ले मेन्यू अवेलेबल क्या है, कौन से फूड आइटम आ सकते हैं, मील ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, कंप्लीट है कुछ बाकी है, दाल का ऑर्डर दे दिया आपने, अब आपने रोटी का ऑर्डर दिया ही नहीं है तो ये इनकम्प्लीट है ऑर्डर, सिस्टम डिस्प्ले ऑर्डर मेन्यू आइटम्स टोटल प्राइस बता दिया आपने, और उसके बाद क्या मील ऑर्डर टू रिक्वेस्ट मॉडिफाई मील ऑर्डर बैक टू बैक स्टेप 3, ये आपको डिलीवर करवाएगा, डिलीवरी टाइम देगा, लोकेशन बताएगा, ये सब चीजें आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छी तरह से की हुई है, सिस्टम कंफर्म करवाएगा ऑर्डर को, अच्छा उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन आएगी और डेटाबेस के अंदर ईमेल चली जाएगी टू नोटिफाई कैफेटेरिया स्टाफ, और आपके पास इन्वेंट्री के अंदर और चीजों के अंदर चीजें जा सकती हैं, ठीक है बेटा, ये ऑल्टरनेट्स हैं इसके अंदर काफी ज्यादा, जब दे अल्टरनेटिव फ्लोस के अंदर क्या होगा, एक्सेप्शंस के अंदर क्या होगा, टू लेट हो जाए तो क्या होगा, ये आप देख लीजिए इसमें, ठीक है इंक्लूड, ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा था मैं, ठीक है, और उसमें 55.0 रजिस्टर पर पेरोल डिडक्शन, पेरोल में से पैसे कैसे कटेंगे क्या होगा, अच्छा पैटर्न आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए नहीं, बंदा है ही नहीं, वो डिजाइन के चला गया छोड़ गया है, या वो नहीं खाना चाह रहा होता खाने पर, या आपके पास एलिजिबल नहीं है आप पेरोल डिडक्शन करने के लिए, आपको फूड भी नहीं मिलेगा, ये पैटर्न ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर पेरोल, अगर वो एनरोल है इसके अंदर डिडक्शन के लिए दिस हो गए, ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारे पास ये चीजें मौजूद है, ये हमारे पास काम है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या क्या काम करना है, क्यों क्यों करना है, किस तरह से होना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ओके, और ये कि मैं असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ इसके अंदर, तो काइंडली इसको आज की डेट में भर दीजिएगा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो वेरी मच।